Good morning students. So, next topic of gravitation is escape velocity. So, escape velocity, consi velocity. For example, this is your earth having a radius r and the mass of the earth is m. And suppose a body of mass small m is lying over the surface of the earth. Okay. And let it is the gravitational field of the earth. अप टू दिस पॉइंट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज एक्सटेंडिड इस अर्थ की जो है ठीक है सो ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है एंड एज वी ओन नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनफिनिटी ओके सो वॉट विल हैपन इफ वी थ्रो दिस बॉल इन द वर्टिकली अवर डायरेक्शन सो वी हैव टू गिव समॉसिटी एट दिस इनिशियल पॉइंट टू दिस बॉडी सो दैट इट कैन मूव इन द अवर डायरेक्शन But after covering some distance, this ball will come back to the surface of the earth. Why? Because the earth will exert a force that is known as gravitational force on this body. And due to that force, this body, after attaining some height, it will start moving in the downward direction. Okay. So, what will happen if we increase the velocity of the body at the initial stage? जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे देन द हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इंक्रीजेस, वो बढ़ती जाएगी लेकिन अगर यहाँ तक भी जा रहा है तो वो सर्टेन हाइट अटेन करने के बाद वापस आ जाएगा क्योंकि बॉल जब वो हाइट को अटेन कर रहा है वो पोजीशन इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है जब तक ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तक रहेगी तब तक अर्थ उस पर फोर्स एग्जर्ट करेगी ही करेगी और उसको अपने सरफेस के पास बुला लेगी अब क्या होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे इतनी वेलोसिटी दे दी इस बॉडी को कि उसने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर लिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट पे यू आर गिविंग गिविंग अ वेलोसिटी वी ई जो आपने इस बॉडी को दी और ये इतनी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के दम पर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा क्लियर जब ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा यानी कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ यहाँ पे बॉडी सेंटर से देखते हैं हम ओ पॉइंट से यहाँ पे आर पे रखी है आपने कैपिटल आर पे और आपने इसको उठाया और इन्फिनीटी पे भेज दिया तो आप आर से इन्फिनिटी पे बॉडी पे भेज रहे हो तो आप बॉडी क्या करेगी क्या वो वापस आएगी नहीं जब वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाएगी तो अर्थ उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट नहीं करा पाएगी जिसकी वजह से बॉडी जो है विल नेवर रिटर्न बैक ऑन इट्स ओन खुद वापस नहीं आ पाएगी तो वो विलास, विलासिटी जो हम किसी भी बॉडी को किसी भी प्लानट के सरफेस पे प्रोवाइड करवाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की बात कर रहे हैं हम तो अर्थ के सरफेस पे हम जब किसी भी बॉडी को इतनी वेलोसिटी देते हैं जिस वेलोसिटी के दम पर वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए ठीक है और फिर वापस खुद ना आ सके दैट वेलोसिटी इज़ नोन एज एस्केप विलासिटी हर एक प्लानट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग है अगर आप जुपिटर पे चले जाओगे और आपने बॉडी को जुपिटर की फील्ड के बाहर भेजना है सो यू हैव टू गिव सम डिफरेंट वेलोसिटी। तो हर एक प्लानट के केस में उनकी फील्ड के बाहर अगर आपने भेजना है किसी भी बॉडी को सो यू हैव टू गिव डिफरेंट टाइप ऑफ विलासिटीज बट एस्केप विलासिटी वही है जो किसी भी बॉडी को फील्ड के बाहर लेके जाती है क्लियर तो ये एस्केप विलासिटी है अब दूसरी चीज़ देखो अगर यहाँ पे आप बॉडी को मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो तो इस ए पॉइंट पे उसके पास किस तरह की एनर्जी स्टोर होगी सो एज़ वी ऑल नो वेलोसिटी की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर होगी काइनेटिक एनर्जी यानी कि सरफेस पे जब आपने बॉडी रखी होगी तो उसको जब आप मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके अंदर फॉर्म होगी स्टोर्ड होगी क्योंकि वेलोसिटी के दम पर काइनेटिक एनर्जी होगी अब जब ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है यानी कि इस बॉडी पे आपने इसको यहाँ से कहाँ भेजना है बाहर भेजना है यहाँ भेजना है ठीक है यहाँ पे भे भेजना है तो बॉडी जब ऊपर जा रही है तो बॉडी दो काम कर रही है बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है यानी कि इस बॉडी पे वर्क हो रहा है तो वो वर्क डन किसकी कॉस्ट पे हो रहा होगा दैट वर्क डन इज़ एट द कॉस्ट ऑफ़ इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के दम पर तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी यहाँ पे बॉडी देखो कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया उसने कुछ मूव भी कर लिया तो यानी कि यहाँ पे उसके पास जो काम हुआ होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के दम पर स्टोर हुआ होगा सॉरी फॉर्म हुआ होगा ठीक है जैसे यहाँ पे आप सरफेस पे खड़े हो तो मान लो आपके पास जूल एनर्जी है तो जब आप यहाँ पहुँचोगे तो एट हो जाएगी यहाँ पहुँचोगे तो सेवन यहाँ पहुँचोगे तो नेक्स्ट अब मैं आपको पूछ रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर बॉडी आपने भेजी है तो आपने उस बॉडी पे कितना वर्क डन किया होगा तो सीधी सी बात है वर्क डन तो काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पे ही हो रहा है हमने उसको दी ही इतनी वेलोसिटी है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए तो अगर आप उसको इतनी ही वेलोसिटी दे रहे हो कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए तो जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी तो उसके अंदर उतनी ही स्टोर्ड होगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए तो अगर आपको पूछेंगे कि बॉडी को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा तो वो किसके बराबर होगा काम जो वो कर रही है बॉडी वो किसकी कॉस्ट पर कर रही है खुद की काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पे तो जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगी तो वर्क डन बाय द द बॉडी बॉडी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट द सरफेस जितनी उसके सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी होगी फॉर एग्जाम्पल टेन जूल है उस दस जूल के दम पर ही वो काम करेगा तो जब वो यहां पहुंचा दोगे आप तो उसका वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा दस जूल के बराबर होगा दस जूल क्या है काइनेटिक एनर्जी सिंपल सी चीज़ है आंजी ऊपर जा रहा है काम हो रहा है तो काम कौन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी कर रहा होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम काम कर दिया तो मैक्सिमम काम करने के लिए आपने उसको एनर्जी भी तो दी है ना तो क्या एनर्जी दी है काइनेटिक एनर्जी तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा तो जो भी आपका वर्क डन होगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट इट्स सरफेस जितनी उसके सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी होगी उसी एनर्जी के दम पर वो वर्क करेगा तो इस पॉइंट पे जो वर्क डन होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यहाँ लिख रही हूँ मैं इस स्टेज पे वर्क डन इज़ ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बस ये सिंपल सा है बस ये आपके पास आ गया स्के वेलोसिटी इट इज़ द मिनिमम स्पीड विथ विच द बॉडी हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एंड नेवर रिटर्न ऑन इट्स ओन क्लियर सो so, ये मैंने लिख दिया ये अर्थ है इसका मास एम है और यहाँ पर आपने बॉडी रखी है तो आपको सबसे पहली चीज़ काइनेटिक एनर्जी यानी कि एसके वेलोसिटी निकालनी है तो एसकेव वेलोसिटी ये है तो अगर आप सरफेस पे खड़े हो तो काइनेटिक एनर्जी का होगा हाफ एम वी स्क्वेयर लेकिन आप सरफेस पे वी की जगह वी ई लगाओगे जो कि एसके वेलोसिटी है तो आपने ये कैलकुलेट करना है तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बता दिया है इस स्टेज पे वर्क डन जो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे आप डालोगे तो वो बनेगा हाफ एम वी ई e का स्क्वायर जिस पे आपने ये चीज निकाली है एम तो गिवन है तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे अगर आप कहीं से वर्क डन निकाल दो क्योंकि ये इक्वेशन है ना इसके बराबर काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी e स्क्वायर है जिसमें वी ई e अन है तो कहीं से आप वर्क डन निकाल दो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बॉडी को कितना काम करना पड़ा वो आप यहाँ डालेंगे और यहाँ से अननोन वैल्यू यानी कि वी ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो बहुत सिंपल है लास्ट हमने टॉपिक किया भी है तो अब आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है आपको करना है वर्क डन निकालना है तो अब देखो वर्क डन कौन हो रहा है जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया M1, है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है जिसमें आर जो है वो वेरी करता है यहाँ आर कुछ और होगा यहाँ कुछ और होगा तो फोर्स जो है वो वेरिएबल होती है तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन भी क्या होगा वेरिएबल ही होगा तो जब हम वेरिएबल वर्क करते हैं तो हम हमेशा स्मॉल सा पार्ट कंसीडर करते हैं जैसे ये ए और ये बी अब ए यहाँ क्यों लिया क्योंकि बॉडी अब यहाँ से मूव कर रही है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में इन्फिनी से आती है यहाँ पे सरफेस से बॉडी मूव करिए तो एक पॉइंट ये आएगा एक पॉइंट ये ठीक है लेट ये स्मॉल डिस्टेंस कितना है डी एक्स अब बॉडी कहाँ है यहाँ पे ए पॉइंट पे रखी होगी बॉडी आपने एम मास की बॉडी ये तो आप इस छोटे से डीएक्स का वर्क डन निकाल दो फिर जब आपके पास डीएक्स का वर्क डन आ जाएगा तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ कहाँ से चल रहे हैं हम सरफेस से तो सरफेस पे सेंटर से डिस्टेंस कितना आर तो आप आर से चल रहे हैं और पहुंचना कहां तक आपको कहां तक निकालना है वर्क डन यहां तक तो यहां पे इंफिनिटी तक जाना है तो यहां पे लोअर लिमिट जो है वो कैपिटल आर आएगी और अपर लिमिट जो है वो इंफिनिटी आएगी ठीक है और आपके पास वर्क डन आ जाएगा फिर तो यहाँ लिखा है मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन थ्रू अ डिस्टेंस डी एक्स स्मॉल डी एक्स तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स फोर्स भी ऊपर की तरफ मोमेंट भी ऊपर की तरफ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा जीरो डिग्री का एंगल तो यहाँ से फोर्स क्या है अब आपने फोर्स निकालिया ए इनिशियल पोजिशन पर यहाँ रखी है बॉडी तो आप ध्यान रखेंगे कि लेट यहाँ से ले कर यहाँ से ले कर अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं ना वो एक्स है तो आपके पास बनेगा जी एम आर्थ का मास बॉडी का मास स्मॉल एम यहाँ रखे और यहाँ से लेके सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस एक्स क्यूर है क्लियर तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम कैपिटल आर से लेके इन्फिनेटी तक ठीक है तो आपके पास ये आ जाएगा कैपिटल आर से इन्फिनीटी पे जिसमें ये कॉन्स्टेंट टर्म्स है बाहर आ गई एक्स की पावर टू ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर माइनस टू इसको आप इंटीग्रेट करेंगे देन वी गेट एक्स रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन लोअर टू अपर लिमिट क्लियर ये बन जाएगा एक्स रेस टू पार माइनस वन ये माइनस वन मैंने यहाँ भेज दिया एक्स रेस टू पार माइनस वन को वन अपॉन एक्स लिख दिया विद द लिमिट्स देन पुट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट वी विल गेट वन बाय इन्फिनिटी माइनस एक्स में लोअर लिमिट तो वन बाय आर देन वी विल गेट वन बाई इन्फिनिटी आपके पास जीरो हो जाएगा सो माइनस जी एम एम टू ये तो माइनस और माइनस प्लस होकर आपके पास इतना वर्क डन आएगा तो मैंने आपको बता दिया है कि आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो वर्क डन किसकी कॉस्ट पे हुआ होगा जितनी उसके पास आपने काइनेटिक एनर्जी दी है सरफेस पे तो यहाँ पे आ जाएगा दिस वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द कानेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो आप इस वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट कर देंगे या आ गया ठीक है या फिर आप ऐसे लिख दो दिस वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्लियर तो काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ये और वर्क डन आपके पास ये है कायनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्र यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ से आपके पास स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट जाए हो जाएगा तो एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बन जाएगा क्लियर जिसमें से एक फार्मूला आपका एस के विलासटी का ये बन गया दूसरा हमें पता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन होता है जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जहां से GM की वैल्यू जी आर आ जाएगी सो पुट द वैल्यू ऑफ जी इन दिस इक्वेशन तो आपके पास आ जाएगा जी आर स्क्र यहां डालना है आपने यहाँ से आर के साथ एक आर कैंसिल तो ये आ जाएगा तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो एसके वेलोसिटी के हैं तो इन दोनों में देखो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये अर्थ का मास है ये अर्थ का रेडियस है और ये अर्थ का रेडियस है इन दोनों में बॉडी का मास कहीं नहीं आ रहा है तो आपको एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक लाइटर बॉडी है एक हैवियर बॉडी है उसको आप अर्थ के सरफेस से बाहर भेज रहे हो और आपने उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना है तो आपको कितनी एसके वेलोसिटी देनी पड़ेगी तो आप ध्यान रखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी जो है दैट ड नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता वो अर्थ के मास पे डिपेंड करता तो अगर आप अर्थ के सरफेस से ही दो लाइटर और हेवियर बॉडी को फेंक रहे हो तो दोनों को बाहर भेजने के लिए आपको सेम ही वी देनी पड़ेगी वेरिएबल नहीं देनी पड़ेगी तो जब आप यहाँ पे जी और अर्थ का रेडियस डालते हो तो अर्थ के केस में जो एस्केप वेलोसिटी आती है दैट इज इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला वो आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख भी लेंगे कि लाइटर और हेवियर बॉडी को आपको सेम ही विलासिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है क्लियर बिकॉज एसके विलासिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास तो आपका एसके विलासिटी का एक ही फॉर्मूला बनता है क्लियर नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक है एक अर्थ बनाई है और ये अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट है क्लियर अब अर्थ का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और अर्थ के सरफेस से एक सेटेलाइट ली है मैंने ये एक सेटेलाइट है अर्थ के सरफेस से अर्थ के सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है एच पे है वो ठीक है तो आर देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एच है तो आप बोलोगे कि सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे है तो वो आर प्लस एच के डिस्टेंस पे है जिसको हम स्मॉल आर भी लिखते हैं क्लियर स्मॉल आर मीन्स अर्थ का रेडियस प्लस हाइट दोनों तो इसको आप आर भी लिखते हो आर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर से लेके तो आप एक सैटेलाइट है उसको आपने अर्थ के ऑर्बिट में डालना है तो जब भी आप किसी भी सैटेलाइट को किसी भी प्लानट के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में डालते हो तो उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में डालने के लिए हमें एक विलॉसिटी रिक्वायर्ड होती है ठीक है एक मिनिमम वेलोसिटी उस सैटेलाइट को देनी पड़ती है ताकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम सके किसी भी प्लैनेट के अराउंड तो वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के दम पर हम किसी भी सैटेलाइट को ठीक है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा सकते हैं एक प्लैनेट के अराउंड दैट वेलोसिटी इज़ नोन एज ऑर्बिटल तो जैसे ये सेटेलाइट है इसका मास एम है अर्थ के सरफेस से ये एच हाइट है अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आर प्लस एच और यू कैन इधर राइट इट एज ए स्मॉल आर इतने डिस्टेंस पे तो आपने ऑर्बिटल विलासिटी निकालनी है अब आप देखो ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स तो चाहिए होगी तो अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन सैटेलाइट को रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाती है वही मैंने लिखा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सेटेलाइट इज एम वी नॉट का स्केयर अपॉन आर वेयर एम इज द मास ऑफ द सेटेलाइट वी नॉट इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी और जिस रेडियस में वो घूम रही है तो अर्थ के सेंटर से लेना है तो स्मॉल आर आप इसकी जगह आर प्लस एच भी लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स जी अर्थ का मास सेटेलाइट का मास और उनके बीच का डिस्टेंस तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी ठीक है जो कैंसिल आउट होता है उसको आप कैंसिल आउट करो देन यू विल गेट दिस फॉमूला ठीक है ये आ जाएगा gm by r. यहां जी एम बाई आर यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम बाय आर आ जाएगा स्मॉल आर को मैं अगर आर प्लस एच की टर्म में लिखूँ तो ये बन जाएगा ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया अब आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है ये तब फॉर्मूला बनाया है जब एच जो है वो आर के साथ कंपेरेबल है मतलब जो आप सेटेलाइट को रिवॉल्व करवा रहे हो ये है ना एच कितने हाइट पे है जब सैटेलाइट जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस पे होगी अर्थ के सरफेस से थोड़ा दूर होगी तो एच ज़्यादा होगा एच ज़्यादा होगा तो आर के साथ कंपेरेबल होगा तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा लेकिन अगर सैटेलाइट आप अर्थ के सरफेस के नज़दीक है यानि कि एच जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू आर तो जब एच जो है वो आर से बहुत छोटा होगा तो आपको पता हम एच जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं दो फार्मूले बनते हैं ऑर्बिटल के ये तब है जब सेटेलाइट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और ये तब बन रहा है जब सेटेलाइट इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ तो आप ये फार्मूला एच को निगलेक्ट यानी कि जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से ये फार्मूला बदल के ये हो जाएगा तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है जब आपके पास सेटेलाइट इज़ वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ वी नो दैट जी इज इक्वल टू दिस यहाँ से जी एम इज इक्वल टू ये बन जाएगा ये यहाँ डाल दो तो आपके पास बन जाएगा जी आर स्क्र बाय आर आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ये नहीं होगा तो वी नॉट इज इक्वल टू तो दिस हो जाएगा जी इन टू आर तो ये नेक्स्ट फार्मूला है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट जी आर के इक्वल होती है ठीक है अब ये आपके पास एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है और एस्केप वेलोसिटी आपने निकाली है ये अंडर रूट टू जी आर जो पीछे निकाली है मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है तो एस के वेलोसिटी को मैंने लिखा अंडर रूट टू सेपरेट करके लिखा और अंडर रूट जी आर जो वो सेपरेट करके लिखा अंडर रूट जी आर जो है दैट इज़ अ ऑर्बिटल वेलोसिटी सो एस के वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ये एग्जाम में पेपर में आपसे पूछते हैं क्लियर रिलेशन जो है नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट एक सेटेलाइट को एक पूरा कंप्लीट सर्कल करने के लिए कितना समय लगता है जैसे ये घूम रही है ना तो यहाँ से मुड़ के जब वापस आएगी तो कितना टाइम लगेगा तो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कम्प्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाते हैं डिस्टेंस जब यहाँ से चक्कर लगाएगी तो एक सर्कल जब कंप्लीट करेगी तो सर्कम फ्रेंड्स ऑफ द सर्कल आएगी दैट इज इक्वल टू टू पाई आर तो टू पाई इसका रेडियस कितना आर प्लस एच तो टू पाई आर प्लस एच कितनी स्पीड से घूमती है ऑर्बिट Orbit में ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूमती है तो अब इसके भी दो ही केसेस बनेंगे फ्रेंस सेटेलाइट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो अभी हम उसकी कर रहे हैं कैलकुलेशन तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में आपको बता दिया है कि जब वो बहुत दूर होगी जब दूर होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ये है और जब नज़दीक होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है या फिर हम एच को निगलेक्ट कर देंगे तो ये यूज़ कर रही हूँ मैं ये क्लियर यहाँ से बहुत सिंपल सी चीज़ है ये डाला है मैंने फार्मूला ये है देखो यहाँ लिखा है मैंने अंडर रूट जी एम तो ये जी एम की पावर वन बाई टू अलग कर दिया ये आर प्लस एच की होल पावर वन बाई टू है तो ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो साइन में कोई फर्क नहीं आएगा तो आर प्लस एच की पावर वन बाई टू सेपरेट कर दिया नेक्स्ट यहाँ पे बेस जो है वो सेम है तो पावर से एड हो जाएगी तो टू बाई आर प्लस एच की पावर थ्री बाई टू और नीचे जी एम की पावर वन बाई टू सेम रहेगी या क्लियर तो यहाँ से आर प्लस एच में थ्री सेपरेट कर दिया मैंने और वन बाई टू सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में आ जाएगा तो आर प्लस एच और जी एम आर प्लस एच का क्यूब वैसे रहने दो तो बाकी को अंडर रूट में लिख दो ये क्यूब है थ्री है ये ठीक है ये अलग हो गया तो यह है टाइम पीरियड जब आपके सेटेलाइट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो जी एम इसके इक्वल होते हैं आप जी एम का फॉर्मूला यहाँ डाल देना तो ये बन गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला वैन सेटेलाइट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अब सेटेलाइट क्लोज भी तो होती है जब क्लोज़ होगी तो ये रिलेशन आता है तो आर प्लस एच में से आप इसको सॉरी यहाँ पे आप चेंज करोगे ऐसे एच जो है वो स्मॉल हो जाएगा तो आर प्लस एच को क्योंकि ज़ीरो लिखेंगे तो आर प्लस एच जो वो आर बन जाएगा तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा टू पाई ये ज़ीरो हो गया आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्र यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो टू बाई अंडर उड आर बाई जी आ गया दैट इज़ योर टाइम पीरियड व्हेन द सैटेलाइट इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ क्लियर अब नेक्स्ट आपके पास बनता है हाइट ऑफ ए सैटेलाइट बहुत सिंपल है जब इसमें दो केस है जब सैटेलाइट इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस है और एक है सैटेलाइट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सरफेस तो जब क्लोज है तब तो हम एच को निगलेक्ट कर लेते हैं मतलब क्लोज़ वाले में हाइट नहीं निकलेगी अब फार वाले में है उसमें हमने हाइट निकालनी है देखो क्लोज वाले में एच तो है ही नहीं यहाँ पे ठीक है अब फार वाले का आपने फॉर्मूला लेना देखो फार अवे फ्रॉम द अर्थ तब आपके पास हाइट आएगी तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया टाइम क्योंकि यहाँ पे एच है ये एच निकालना आपने ठीक है और कुछ नहीं करना है इसमें आपने सिर्फ एच को कैलकुलेट करना है तो यहाँ से मेरे पास टू पाई अंडर रूट आर प्लस एच की पावर थ्री जी आरस स्क्वायर सिर्फ मैंने ये यूज़ किया फॉमूला देखो स्क्यरिंग बोथ साइड कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आर प्लस एच का क्यूब एक तरफ रख दो तो, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से क्यूब रूट परली तरफ ले जाओ तो वन की पावर थ्री इसकी पावर वन बाय थ्री हो जाएगी यहाँ से एच यही रहेगा और आर को आपने दूसरी तरफ ले जाना है तो ये माइनस आर हो जाएगा दिस इज द हाइट ऑफ द सेटेलाइट ठीक है ये सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन से ये आपने सॉल्व कर लेनी है